दो ही उद्देश्य है, पहला देश का सर्वोत्तम इस प्रकार की इंस्टीट्यूट बने और दूसरा अपनी राह चलते हुए ये इंस्टीट्यूट कभी भी गरीबों को नहीं भूले। हमने समाज के जिस वर्ग को ध्यान में रखकर इंस्टीट्यूट को तैयार किया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के संभ्रांत वर्ग को या धनिक वर्ग को हम सेवा नहीं देना चाहते, सबको सेवा देना चाहते, ये सबकी इंस्टीट्यूट होगी। देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी एनसीए आने की इच्छा हो, भले ही आवश्यकता न पड़े, और जो गरीब से गरीब हो उसको भी ये लगे कि मेरे घर पर अगर कोई तकलीफ है तो एक संस्था है जहां मैं जा सकता हूं, जहां मुझे नकारा नहीं जाएगा। और इस व्यवस्था को हम सब लोग मिलकर खड़ा करेंगे, ये हमारी जो यहां बैठी हुई टीम है, ये टीम अपने मन में ये संकल्प कर ले तो मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस स्वप्न को भी हम पूरा करेंगे। और इसलिए केवल इस टीम के लिए मैं ये कहता हूं कि बास की असली उड़ान अभी बाकी है, बास की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। इस आसमान को नापने का काम हम करेंगे।